लॉकडाउन का आज पांचवा दिन है और पुलिस की व्यवस्थाओं की बात करें तो आज भी बदस्तूर उन लोगों को खाने की सामग्री वितरण किए जा रही है। एसएसपी सचिन पटेल की जो अनूठी पहल है, सीमा पर प्रवेश के दौरान चेकअप के साथ साथ उनको खाने की सामग्री और जो एग्जिट सीमा है उससे व्हीकल की व्यवस्था पुलिस द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है। एसएसपी सदर भारत समाचार के साथ मौजूद हैं। सर, आज पांचवा दिन है लॉकडाउन का, क्या व्यवस्थाएं अपग्रेड की गई और क्या बेहतर से बेहतर व्यवस्था करने का आपका प्रयास चल रहा है? देखिए, शासन के निर्देशानुसार जितने भी लोग मूवमेंट कर रहे हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, उन सभी लोगों का स्क्रीनिंग कराया जा रहा है। जैसा आप देख सकते हैं, स्क्रीनिंग करने के बाद उनका डिटेल्स नोट करके प्रशासन की तरफ से और जो भी आवागमन के साधन हैं बसों के द्वारा, उनको जो है उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। सर, देखने में आया है कि शहर में ऐसी स्थितियां बनी है, लोगों को व्हीकल प्रोवाइड नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या इसके लिए कोई प्राइवेट व्हीकल्स भी हायर किए गए हैं? नहीं, देखिए, फिलहाल तो सभी लोगों को कहा जा रहा है कि आप सभी लोग अपने घरों में रहें, अनावश्यक बाहर ना घूमें। जो लोग बाहर से आए हुए हैं, अन्य प्रदेशों से जो मूवमेंट कर रहे हैं नेशनल हाईवे पे, एक्सप्रेसवे पे, उनके लिए वाहनों की व्यवस्था की गई है और वो उनको गंतव्य तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अनावश्यक कोई आदमी बाहर ना निकले, ये लोगों से अपील की जा रही है। सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से आपने खाद्य सामग्री और खाने के पैकेट बंटवाए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, किस तरह की अपील एसएसपी सचिन पटेल करेंगे जो बाहर आए हैं, लोगों की मदद करें? देखिए, क्योंकि भोजन की दिक्कत कई लोगों के द्वारा जो है हम लोगों को यूपी 112 पे कॉल करके बताया गया है, तो जन सहयोग के माध्यम से हम लोग लंच पैकेट बनवा रहे हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हैं और इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस लोगों का देखने को मिल रहा है। कई लोगों ने ये भी कहा है कि हम लोग पूरे एक महीने तक जो है लंच पैकेट्स बनवाने काम करेंगे और आप लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कराइए। तो एक पूरे नेटवर्क को व्यवस्थित करने का काम किया जा रहा है ताकि कहीं पर कोई भूखा ना रहने पाए। धन्यवाद। तो ये थे एसपी फिरोजाबाद, जो लंच पैकेट वितरण का कार्यक्रम शुरू किया है, उसकी अच्छी पहल और अच्छा इनपुट निकल के आ रहा है, लोगों का सहयोग भी मिल रहा है और जनहित में जो काम पुलिस ने शुरू किया वो निरंतर प्रगति की ओर है। तो राहुल शर्मा के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते।